जमा कराते कराते रह गए। किस बात के हंसी आती है तुम दोनों को? हंसने पे क्या एतराज है? बाहर तो देखो कितनी टेंशनें पड़ी हुई हैं लोगों को, बिल जमा करा करा के बेचारे हड़कान हुए हैं, तुम दोनों खा 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 खा। अच्छा अगर रोना शुरू कर दूं मैं तो फिर ये मसले हल हो जाएंगे? हाँ। चलो कोई ऐसा साथ तो जागते हैं ना बंदे के। अजीब बात है, अजीब मंतक है तुम्हारी कि अगर बाहर टेंशन है तो रोना शुरू कर दो, हंसना बंद कर दे। नहीं तो क्या हंसने से बिल जमा हो जाता है जी? हंसने से टेंशन कम हो जाती है यार, मुस्कुराने से जो डिप्रेशन है उसमें कमी वाकई होती है। तुम्हें किसने कह दिया? माहिरीन ने नफसियात कहते हैं। केड़ा माहिरीन ने नफसियात तुम्हें मिल पड़ा? जेम्स विलियम्स का कहना है। मुझे पहले ही पता था लाल मन को अंग्रेजी ढूंढ के ले आए। यकीन करो मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, जेम्स विलियम बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट है। और मौज लेने दो इसे, मुझे या तो कहो ना कि चाचे बरकत ने कहा, मास्टर सितार साहब ने कहा, काजी फाजल साहब का कहना है, हाफिज तकीउद्दीन साहब फरमा गए हैं, बंदा मानता भी है, विलियम ने कहा, जेम्स विलियम। और सुनो तो सही, उसका कहना ये है कि जिस तरह इंसान को दर्द होती है तो वो रोता है, या खुशी होती है तो वो हंसता है, और अगर इसका उलट कर लिया जाए, यानी अगर इंसान चाहे कि उसको दर्द हो तो वो रोए तो उसको दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगी, और अगर इंसान ये चाहता है कि वो खुश हो तो वो हंसना शुरू कर दे तो वो कुछ देर बाद खुश होना शुरू कर देगा, वो उसके जो एहसास है वो खुशी कैसे हो जाएंगे? इससे ज्यादा बेवकूफों वाली बात मैंने, मेरा ख्याल है मैंने अपनी 28 साल जिंदगी में सुनी। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तुम्हें, इसका 28 साल की तरफ ध्यान नहीं पड़ा। यार मैं तुम क्या समझते, मैं तुम्हारी बातें बहुत गौर से सुनता हूँ, तुम्हें ये खुशगुमानी है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। तो ये कान किस लिए लगवाए हुए, सिर्फ ऐनक टंगने के लिए? मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए। नहीं नहीं बहुत मसरूफ होता है बेचारा, इसने देखो ना इतने टेंशन के साथ करना होता है, बहुत मसरूफ होता है। नहीं अजीज साहब, ये तो आप आम लाइफ में भी देखते होंगे ना, जब आप ट्रैफिक पे रोड के ऊपर किसी को रास्ता दे देते हो और वो आपको थैंक यू करे तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग होती है। ये हल्का सा महसूस होता है मुझे, मगर जो ट्रैफिक की बात कर रहे हो उधर तो अल्लाह माफ करे, हर बंदे ये का हुआ यार। हाँ। यार ये और ये आपका जो टेंशन है या डिप्रेशन या आपका जो चिड़चिड़ापन है इसमें मजीद इजाफा कर देता है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल इंसान ये घर से सोच के निकलता है कि जी मैंने हर जो भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करेगा मैंने उसको घूर कर देखना है या उसे बुरा भला कहना है, और यही अमल आप दोहराते चले जाए आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है। और अगर इसके बरक्स आप घर से ये तहिया करके निकलते हैं कि मैंने रोड पर खुश मिजाजी का मुजाहरा करना है, आप दूसरे को रास्ता देते हैं या अगर और वो आपका शुक्रिया अदा करता है, या अगर कोई आपको रास्ता देता है तो आप उसका अदा कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छे एहसास पैदा करता है। छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं इंसान के जो उसका मूड ठीक कर देते हैं, और अगर आपका मूड ठीक है और आप दूसरों का मूड ठीक करने का भी मौजब बनते हैं। हमारे यहाँ तो आप सौदा लेने जाएं आपने उसको पैसे बटाने हैं, उसको पैसे जाएंगे गाहक को, आप वो आपके साथ इस तरह की लेना जी। यार ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं जो माशरे को बदल के रख देते हैं। और तुम यही वजह है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुस्कुराहट जो है वो सदका है, और ये भी हुज़ूर का ही फरमान है कि तुम में से ताकतवर शख्स वो है जो अपने गुस्से पे काबू पा ले, गुस्से को बिछाड़ दे। और मूड खराब जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि आप तहिया करके बैठ जाते हैं कि मैंने आप जो नाराजगी है या जो आपके अंदर की जो खराब फीलिंग्स है आप उनको कुक करना शुरू कर देते हैं, आप उनको पकाना शुरू कर देते हैं, उसमें मसाले डालकर उसको मजीद बढ़ावा देते हैं। ये बात बिल्कुल, ये रुझान गलत है। और मुझे वो गांधी जी का एक बहुत मशहूर कॉल है कि गुस्सा जो है ये एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसके अंदर वो महफूज होता है। और ये बिल्कुल गुस्सा एक ऐसा ही तेजाब है वाकई। नहीं ये बातें तो तुम्हारी ठीक है मगर मैंने माननी नहीं। बातें मेरी हमेशा ही ठीक होती हैं। हमेशा भी नहीं ठीक होती, इतना भी ना सर पे चढ़ो। परसों तुम कह रहे थे कि बीवी की ताबेदारी करनी चाहिए। और मैंने कहा अक्सर तुम मुझे डी ट्रैक भी करते हो। I know very well. अजीजा आप फिर गुस्सा कर रहे हैं? अच्छा जी नहीं करता जी। कल मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक टांगे वाले ने सीधा मेरे स्कूटर में टांगा कट मारा। सारा स्कूटर ही पिस गया यार। 7,000 रुपया डेंटिंग पेंटिंग वाले ने बिल बढ़ा दिया। मेरे पास टका भी नहीं है। ओ, 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 बड़ा सार है मुझे।
अब ठीक है जी। नाज़रीनिया वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। यार आज अगर मैं तुम्हारी गाड़ी पे एंट मारूंगा तो तुम हंसोगे ना।